नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल के बारे में। तो वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल होता क्या है? तो अगर बात करें कि सबसे पहले रेफरेंस मॉडल, ठीक है, क्या ये एक फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि जो भी जितनी भी सर्विस है, ठीक है, वो जितने भी कंपोनेंट है, इसमें गेस्ट है, वर्चुअलाइजेशन लेयर है, होस्ट है, ठीक है, वो सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, ये किस सीक्वेंस में हो रहा है, ये बताता है हमारा वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है होस्ट, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन लेयर, एंड थर्ड वन इज़ गेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, होस्ट में आपका फिजिकल है, सब कुछ फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल नेटवर्किंग है, सब कुछ क्या प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है। ऐसी वर्चुअलाइजेशन लेयर पे आप देख सकते हैं आपका वर्चुअल हार्डवेयर है, वर्चुअल स्टोरेज है, एंड वर्चुअल नेटवर्किंग है। यहाँ पे सब कुछ क्या है, वर्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आगे बताऊंगा मैं आपको। और ये जो एप्लीकेशंस के थ्रू जो गेस्ट है, आपका यूज़र है, इन सबको ये एक्सेस कर रहा है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, मैं बता दिया आपको। यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन लेयर पे आपका क्या रखा होगा, यहाँ पे हाइपरवाइजर रखा होता है, ठीक है, जिसको हम VMM भी बोलते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। तो ये लेयर काम कैसे करती है, ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो ये आपका समझ लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और ये आपका जो यूज़र है, यूज़र के पास क्या होगा, खुद का प्रोसेसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, खुद का हार्डवेयर होगा। और होस्ट के पास क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ये होस्ट है, ये यूज़र है। होस्ट के पास क्या होगा, आपके रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकता है, ठीक है, स्टोरेज हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कहाँ काम करेगा, होस्ट लेयर पे काम करेगा, ठीक है, ये होस्ट लेयर पे आपका यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर काम करेगा। इसके पास वैरायटी नंबर ऑफ सर्विसेज और रिसोर्सेज होंगे, जैसे फिजिकल हार्डवेयर हो गया आपका, फिजिकल स्टोरेज हो गया, ओके, फिजिकल नेटवर्किंग हो गया, ये सब होंगे, ठीक है, इसके पास। तो दीज आर वेरियस रिसोर्सेज जो होस्ट साइट से मेंटेन होंगे। अब बात करते हैं जो एप्लीकेशंस यूज़ होंगे ना यहाँ पे, अब बात करते हैं गेस्ट लेयर की। जो एप्लीकेशंस यूज़ होंगे वो यूज़र यूज़ करेगा, ठीक है, गेस्ट लेयर पे यूज़र एप्लीकेशंस को यूज़ करेगा। तो अब जो गेस्ट है एंड जो ये होस्ट है, इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, होस्ट एंड गेस्ट ये सर्विस दे रहा है, ठीक है, जो होस्ट है वो सर्विस आपका प्रोवाइड करेगा, एंड गेस्ट जो है वो आपका सर्विस एक्सेस करेगा। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये कम्युनिकेट करेंगे आपके वर्चुअलाइजेशन लेयर के थ्रू। तो कोई, ठीक है, कोई ना कोई, क्योंकि मीडियम तो चाहिए दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए वर्चुअलाइजेशन लेयर का यूज़ करेंगे। तो अब जो होस्ट लेयर होगी वो सर्वर साइड से यहाँ पे सारे जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज जो भी ये सब है मेंटेन होगी, सारी फिजिकल हार्डवेयर, मेमोरी, ये सारी जो भी प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, जो सर्वर, वो सब मेंटेन होगी। तो अब जो यूज़र को जो है सर्विस चाहिए, गेस्ट को क्या है, सर्विस चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ से। तो अब होस्ट क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, तो होस्ट क्या करेगा, यहाँ से होस्ट क्या करेगा, वर्चुअलाइजेशन लेयर के थ्रू, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लेयर के थ्रू ये यहाँ पे जितनी भी सर्विस पड़ी है ना, ये यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है। सपोज़ यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल नेटवर्किंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होस्ट है वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, जैसे VM1 कर दिया, VM2 कर दिया, VM3 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए, मतलब जो इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, जो अपने रिसोर्सेज हैं फिजिकल हार्डवेयर के, उनके इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, ठीक है, अब वो वर्चुअल हार्डवेयर बन गए, वर्चुअल स्टोरेज बन गए, वर्चुअल नेटवर्किंग बन गए। और ये सब किसकी हेल्प से बनेंगे, हाइपरवाइजर की हेल्प से, ठीक है। मतलब वर्चुअलाइजेशन में लेयर में क्या होगा, जो भी आपके रिसोर्सेज है ना, ये
होस्ट के पास, उन सब का आपका वर्चुअल वर्जन क्रिएट होगा, लाइक वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्किंग, ये सब ठीक है। और ये सब कौन करेगा? हाइपरवाइजर, उसकी हेल्प से। ये सॉफ्टवेयर होता है या पीस ऑफ प्रोग्राम कह लीजिए, जो फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसको हम वर्चुअलाइजेशन लेयर पे पुट करते हैं। तो ये जो फिजिकल मतलब हार्डवेयर जो भी है उसको रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में क्रिएट करता है। तो गेस्ट लेयर में जो भी सर्विस होगी, मतलब गेस्ट लेयर जो भी सर्विस यूज़ करेगा वो एप्लीकेशंस के थ्रू करेगा, ठीक है, एप्लीकेशंस के थ्रू वो सर्विसेज को एक्सेस करेगा, क्योंकि वर्चुअल फॉर्म में मिल रही है उसे सर्विस। तो यहाँ पे जो है आपके एन नंबर ऑफ वर्चुअलाइजेशन में एन एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, गेस्ट के पास। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल क्या कैसे काम करता है, ये तीनों लेयर, ठीक है, क्या क्या वो है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।